हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग। मैं हूँ शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज कार लेकर आए हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन होने के बाद भी मम्मी अभी तक कार में बैठी तक नहीं है क्योंकि उनके काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। मैंने कई बार बोला, बात की कि मम्मी चलो कहीं घूम के आते हैं, तो सारे लोग बैठ चुके हैं, सारे लोग घूम चुके हैं, मेरे फ्रेंड लोग भी बैठ के देख चुके हैं और पापा तो मेरे साथ गए हुए थे और बस मम्मी बाकी थी। तो आज मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ मार्केट। कार बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी तो मैंने अभी उसको धोया है, मैंने और पापा ने मिलकर धोया है। देखो कार अपनी एकदम चमक रही है, ये सामने खड़ी हुई है और ये सामने का जो प्रॉब्लम है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये इधर पे है पूरा गड्ढा खाई और ये है सामने हमारा गेट जहाँ हम कार पार्क करते हैं। मम्मी हाय कर रही हैं। तो ये गेट तो हमारा पर्याप्त है स्पेस, लेकिन इसकी वजह से कार हमारी पूरी सीधी नहीं होती और आराम से अंदर नहीं आती, तो ऐसा हमने सोचा था। लेकिन जब मैं गाड़ी लेके आया रात को, हम लोगों ने ट्राई किया तो क्यों मम्मी एक दो बार में ही अंदर हो गई, है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हम लोग डर गए थे कि कहीं एक बड़ा खर्च फिर से ना आ जाए, नहीं तो हमें गेट तोड़वाना पड़ता और फिर यहाँ पर लगता स्लाइडिंग डोर जो कि अंदर स्लाइड होके जाता तो थोड़ा बहुत स्पेस और निकल के आता। ये सब मम्मी ने यहाँ पे मिट्टी विट्टी डलवा के इसको और थोड़ा सा रोड को चौड़ा करवाया और इससे हमारा काम बन गया। तो कार आराम से अंदर आ जाती है, खड़ी हो जाती है और मम्मी हो गई है तैयार। तो अब मैं और मम्मी जा रहे हैं कार के मज़े लेने। चलें चलें। तो कार देखो पूरी चमका रखी है, कहीं भी एक डस्ट एक दाग नहीं दिखेगा। तो देखो अभी मैंने अंदर भी क्लीन किया है तो ये पेपर वगैरह बिछा रखे हैं इधर भी उधर भी, क्योंकि कंपनी से मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मैट वगैरह और सीट कवर वगैरह। तो ये सारा काम बाकी है गाड़ी में, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी अगर कोई ट्रिप प्लान होती है दिल्ली तरफ की तो वहाँ जाके कराऊँगा, और अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जबलपुर या कटनी से सीट कवर और मैटिंग तो मैं कराने वाला हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। मेरी जो गाड़ी है वो अंदर से गंदी भी हो रही है। वो जगह है जहाँ मैं आता हूँ कभी कभी अपना वीडियो शूट करने के लिए और फोटो शूट वगैरह करने के लिए। तो ये कटनी का ट्रांसपोर्ट नगर है, मम्मी को ये जगह दिखाने लाया हूँ कि हम लोग शूट करने कहाँ आते हैं। तो अच्छी जगह है, खाली खाली रोड है यहाँ पे और आप किसी भी रोड में अपना आराम से गाड़ी लगा के फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला यहाँ है नहीं। ये देखो भाई लोग, ये है बाहर से व्यू इस जगह का। अभी शाम हो गई तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बस एक ही कमी कि यहाँ कोई भी पेड़ नहीं है बड़ा, तो अगर आप दिन में या दोपहर में आते हो गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जानी है। तो इस टाइम पे बहुत अच्छी जगह है शूट वगैरह करने के लिए। तो कल परसों आएंगे यहाँ पे और अपनी गाड़ी के साथ कुछ अच्छे फ़ोटो शूट और वीडियो शूट वगैरह करेंगे। तो ये देखो भाई, चमका दिए गाड़ी मैंने। तो भाई अब होने वाला है सदी का सबसे महान कारनामा। मम्मी बैठ चुकी हैं ड्राइविंग सीट पे और मम्मी खुद बोल रही हैं कि मेरे को गाड़ी चलानी है। तो हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा रिस्क। मम्मी रेडी हैं कार चलाने के लिए। We'll be right back.
इस तरफ, मेरी तरफ लो, मेरी तरफ। हाँ चलने दो, धीरे धीरे जाने देना। हाँ मेरी तरफ रखना हल्की सी, अब सीधी कर लो इस तरफ। हाँ बस ऐसे चलने दो। हाँ वहाँ उस तरफ जाना है, आराम से करना है ना। तो भाई मम्मी भी कार चलाना सीख गई, और सीख क्या गई, आज तो फर्स्ट ट्राई है, और इतना कर लिया मम्मी ने, इस तरफ करो है ना। और बस एक हफ्ते की क्लास, और मम्मी फिर कटनी से जबलपुर जाया करेंगी। वे लास्ट चक्कर है आपका, आगे अपन रोक देंगे गाड़ी, चल घर तक चल। अच्छा 21 की स्पीड, 22 की, अरे वाह। अरे नहीं नहीं मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी ब्रेक लगाओ। अरे कितना रास्ता है रे, अभी नीचे उतर जाती गाड़ी ना, उतर ब्रेक लगा। अच्छा देख रहे हो ऐसे तूफानी कर रही है भाई साहब। देखो दिखाता हूँ, आओ उतर के टायर देखो। हाँ रोड से नहीं उतरी है ये, देखो ये टायर घिसटने को बने, मैंने हैंड ब्रेक लगाया न्यूट्रल करके, नहीं तो गाड़ी जाती आज। चल ज्यादा नहीं बता, ये बता। तो कैसा लगा मम्मी? अच्छा लगा भाई, मजा आया, आया। हाँ तो भाई आज फुल मजे हो गए, और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मम्मी को अब मैं सिखाऊंगा ड्राइविंग, तो मम्मी के साथ जाया करूंगा मैं ट्रिप पे। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यही खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो मम्मी, बाय बाय।